हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि कल सिलेबस बना करके मैं दिया था आपको। सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर आपका आता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। इस प्रकार से हम उसके बारे में स्टडी करने की शुरुआत कर रहे हैं। पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू एक्सप्लेन यू दैट व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। स्टूडेंट्स प्लीज थिंक अ लिटिल, व्हाट कैन वन पर्सन डू विदाउट यूज ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, फ्रॉम मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट। पीपल यूज मटेरियल्स ऑब्टेंड बाई केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से बने हुए मटेरियल्स को हम डेली लाइफ में हमेशा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पेन हो, पेंसिल हो, बुक हो, टूथब्रश हो, व्हीकल, मोबाइल फोन, बैटरी। एवरी थिंग थ्रू आउट द लाइफ वी यूज द मटेरियल्स ऑब्टेंड फ्रॉम केमिकल मेथड। नॉट ओनली दिस थिंग, वो मेडिसिन्स आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई केमिकल मेथड। आई शैल नॉट गो इन डीप, बट टूडे आई वॉन्ट टू से यू दैट बाई अप्लाइंग केमिस्ट्री आवर लाइफ हैज़ बीन सेफर, फास्टर एंड ईजियर। कुछ ऐसे मेडिसिन्स बनाई गई हैं जो रोगों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। आजकल हमारे लाइफ में हर व्यक्ति किसी न किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है। इस समय जो बस्ती चली आ रही है, कोरोना वायरस की त्राहदी जो चल रही है, कोविड-19 की, अभी तक इसका इलाज खोजा नहीं जा चुका है। ये भी इसमें भी केमिकल मेथड के द्वारा अप्लाई किए गए टेक्निक यूज़ किए जाएंगे, जिससे इसका मेडिसिन भविष्य में बन सकती है। तो हम बताना चाहते हैं कुछ ऐसे मेडिसिन्स के नाम जिसका इस्तेमाल हम करते हैं कैंसर थेरेपी में। सिसप्लैटिन एंड टैक्साल, दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज्ड इन कैंसर थेरेपी, जिनका इस्तेमाल हम कैंसर के उपचार में करते हैं। कैंसर थेरेपी सिसप्लैटिन। इन दिस कनेक्शन एजिडो थायमिडिन नाम की मेडिसिन इज यूज्ड फॉर हेल्पिंग एड्स विक्टिम। एड्स विक्टिम के इलाज के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं एड्स विक्टिम्स। बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जिनका इस्तेमाल होता है थेरेपी में। ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए हम इसे शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारे केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती है। हम बात करेंगे सबसे पहले मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? आप शुरू से पढ़ते चले आए हैं, सभी लोग जानते हैं, क्लास 9th हो, 8th हो, 6th हो, वही सेम डिफिनेशन ऑफ मैटर। एनी थिंग दैट हैज मास
एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जिसमें मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हो, उसे हम कहेंगे मैटर। यही होता है, इसमें कोई नया कोई डिफिनेशन इसका नहीं है। इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मिल्क हो, काऊ, कॉमन साल्ट, वुड, एयर, बैलून, एट्सेट्रा। सब कुछ हो सकता है इसमें जो है, ये सब जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, मैटर कहा जाएगा। मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। पहला पॉइंट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। सॉलिड के बारे में बात करूं, सॉलिड स्टेट मैटर, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड, सो क्लोजली पैक्ड दैट दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरीके से इनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। इनके बीच जो कोई स्पेस नहीं होता, नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट पॉइंट, इनकम्प्रेसिबल, इनको दबाना पॉसिबल नहीं है। दीज आर इनकम्प्रेसिबल। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज देर इज नो स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो उनको कंप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मॉलिक्यूल्स स्टे फिक्स्ड एट देयर प्लेसेस एंड डू नॉट मूव। हाँ, अगर मूव करते हैं तो दे ओनली ऑसिलेट ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशन, ऑसिलेट अबाउट देयर मेन पोजिशंस। इसलिए जो है ये मॉलिक्यूल, उनका शेप साइज सब फिक्स्ड होता है। इनका जो है शेप साइज वॉल्यूम एंड मास रिमेन्स सेम। इन्हें कहीं भी रखा जाए, इनके मॉलिक्यूल नहीं बदलते हैं, नहीं मूव करते हैं, तो इन सॉलिड स्टेट का जो शेप साइज और मास वॉल्यूम सभी कुछ क्या होता है, फिक्स्ड होता है, ये बदलता नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है
आपका लिक्विड स्टेट। सेकंड पॉइंट लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट के मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स आर अ लिटिल अवे फ्रॉम वन अनदर बट नॉट सो फार दैट दे कैन मूव एनी वेयर थ्रू आउट द बाउंड्री ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के लिमिट के अंदर कहीं मूव कर सकते हैं लेकिन लिक्विड के सरफेस को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इनका जो मॉलिक्यूल होगा अ लिटिल लिखा जाए, पहला पॉइंट अ लिटिल फार्दर फ्रॉम वन एनादर। मॉलिक्यूल जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर प्लेस एनीवेयर इन द लिक्विड। लिक्विड के अंदर वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका शेप जो होगा वह फिज नहीं होता है, देयर इज नो शेप। लेकिन मॉलिक्यूल उन अपने बाउंड्री के अंदर ही रहेंगे तो उनका वॉल्यूम फिज्ड होगा। तो ये रीजन है कि लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, लिक्विड्स हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट इनडिफिनाइट शेप। ये उन्हीं का शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं जिसमें इनको रखा जाता है। ड्यू टू हैविंग वेरी लो स्पेस, वेरी लेस स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, देयरफॉर लिक्विड्स आर वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल, वेरी वेरी लेस कंप्रेसिबल। ये था प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स। नाउ आई शैल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। हम गैस के बारे में बात करेंगे। तो गैस इन गैसेज मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर एंड देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच गैप जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, यानी वेरी फार फ्रॉम वन अनदर। बहुत दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स की दूरी बढ़ जाने से नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूरी बढ़ेगी तो इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, घट जाएगा, फोर्स नहीं लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता है। देयरफॉर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एनीवेयर। इनका शेप साइज और वॉल्यूम तीनों, शेप साइज एंड वॉल्यूम ऑल आर इनडिफिनाइट। सभी कुछ अनिश्चित होता है। दे ऑक्यूपाई ऑल दीज क्वांटिटीज ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट।
इन्हें जिसमें रखा जाता है, जिस कंटेनर में, उसी कंटेनर का सेप, साइज और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हाँ, ये ध्यान रहे, क्लोज, अगर क्लोज रखा जाता है तो इनका जो है मास जो होगा वो मास फिक्स्ड होगा, लेकिन कब? इन क्लोज्ड कंडीशन। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, जैसे एलपीजी गैस होती है, एलपीजी गैस सिलेंडर 14.2 किलोग्राम का आता है, उसमें 14.2 किलोग्राम जो है पाई जाती है, उसमें वैल्यू होती है एलपीजी गैस की। उस एलपीजी गैस को अलग अलग सिलेंडर्स में फिलअप किया जाए तो भले ही अलग अलग पार्टी बढ़ जाएगा, लेकिन सबको अगर ऐड किया जाएगा तो वो जो प्रॉपर्टी, जो उसका वैल्यू होगी वह उतना ही आएगा, जोड़ने पर सारा सारा टोटल टोटल जो होगा वो उतना ही आएगा वैल्यू उसकी, 14.2 किलोग्राम ही। इस तरीके से अगर हम क्लोज रखते हैं तो इनका मास फिक्स रहेगा, लेकिन वॉल्यूम, शेप एंड साइज चेंजेबल होता है। ये था शॉर्ट में सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में जानकारी। हाँ, अब है चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के ये स्टेट्स में चेंजिंग भी होती है। सी हियर, चेंज चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर बाय चेंजिंग फिजिकल कंडीशन, जैसे टेम्परेचर, दो चीज़ें मेन होती हैं इनमें, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इन दोनों कंडीशन को चेंज करके हम सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, या गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे सॉलिड ले लिया, सॉलिड के को हम हीट करते हैं, तो हीट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, इट विल फॉर्म लिक्विड। अगेन ऑन हीटिंग लिक्विड, इट फॉर्म्स गैस। व्हेन गैस इज कूल्ड, जब कूल करते हैं गैस को तो यह अगेन लिक्विड फॉर्म करता है। फिर अगेन लिक्विड इज कूल्ड, जब लिक्विड को कूल करेंगे तो इट विल फॉर्म सॉलिड। तो इस तरीके से हम इन मैटर में चेंज, स्टेट में चेंजिंग होती है। स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंजिंग डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखा जाए, हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे आइस है, आइस को हीट किया, हीट कर दिया, यह बन गया वाटर। वाटर को फिर हीट किया, इट विल फॉर्म स्टीम। अब स्टीम को फिर जो है क्या किया, कूल कर दिया, वाटर बन गया। वाटर को फिर कूल कर दिया, अगेन कूलिंग, आइस बन गया। इस तरीके से हम जो है स्टेट में चेंजिंग कर सकते हैं बाय अप्लाइंग चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस वाज द अबाउट द चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, मैटर को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, प्योर सबस्टेंस एंड नंबर टू मिक्सचर। प्योर सबस्टेंस एंड मिक्सचर दो होते हैं। प्योर को भी फिर से डिवाइड किया गया है दो पार्ट में, कंपाउंड्स और
सेकेंड पॉइंट एलिमेंट्स, जो कि आप क्लास नाइन्थ में पढ़ चुके हैं, सब कुछ एवरीथिंग। मिक्सचर, मिक्सचर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, पहला होमोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर, और सेकंड पॉइंट हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस, प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि इसमें आल पार्टिकल्स, आप जानते हैं मैटर किसके बने होते हैं, मैटर्स आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, फिर स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं मैटर, तो मैटर में आल पार्टिकल्स आर ऑफ